नमस्कार, आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। विक्रम संवत 2073, शक संवत 1942। आज भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि, तदनुसार सोमवार 31 अगस्त 2020। हम अपने दर्शकों का CWB हिंदी न्यूज पर स्वागत करते हैं। आज का विचार, जिंदगी आसान नहीं होती, इसे आसान बनाना पड़ता है, कुछ अंदाज से तो कुछ नजरअंदाज से। बहादुरगढ़ में 7 सितंबर से दौड़ेगी मेट्रो, स्टेशन से लेकर मेट्रो में एंट्री करने तक की नई गाइडलाइन जारी। अनलॉक 4 के तहत गृह मंत्रालय यानी होम मिनिस्ट्री द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार दिल्ली मेट्रो 7 सितंबर से क्रमबद्ध तरीके से लोगों के लिए अपनी सेवाओं को फिर से शुरू करेगी। हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने हरियाणा सरकार में मंत्री ओम प्रकाश यादव और SP के बीच विवाद को लेकर स्टेट क्राइम ब्रांच को जांच सौंप दी है। कुल मिलाकर मंत्री ओम प्रकाश यादव को SP सुलोचना गजराज के बीच में विवाद की चर्चा राजधानी चंडीगढ़ के सियासी गलियारों तक पहुंच गई है। गृह मंत्री अनिल विज ने इस पर गंभीरता दिखाते हुए कहा है कि जांच की रिपोर्ट आ जाने के बाद में दोषी पर कार्रवाई होगी। पहले जांच होगी, जिसके बाद में दोषी जो होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। बता दें कि मंत्री की ऑडियो वायरल होने के बाद सरकार ने शनिवार शाम को SP का तबादला कर दिया, लेकिन रात को 4 छोड़ने से पहले SP सुलोचना गजराज ने एक FIR दर्ज करा दी। परीक्षाओं को लेकर सर्वोच्च न्यायालय ने बीते शुक्रवार को आदेश जारी कर दिए। इसके अगले ही शनिवार को महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक यानी MDU ने अंतिम सेमेस्टर एग्जाम के लिए डेटशीट जारी कर दी। वहीं विभिन्न कोर्सों की प्रैक्टिकल परीक्षाओं का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। यह परीक्षाएं 1 सितंबर से 10 सितंबर के बीच होंगी। अब विश्वविद्यालय ने परीक्षाएं करवाने के लिए तैयारी शुरू कर दी है। अनलॉक 4 में हरियाणा सरकार ने सोमवार व मंगलवार दुकानें बंद करने के फैसले को लिया वापस। गृह मंत्री अनिल विज ने अपने ट्वीट में लिखा, केंद्र सरकार ने अनलॉक 4 में प्रदेश सरकारों को लॉकडाउन करने का अधिकार नहीं दिया है, इसलिए हरियाणा सरकार का दिनांक 28 अगस्त का सोमवार और मंगलवार को बाजार बंद रखने का आदेश वापस ले लिया है, इसलिए अब कोई लॉकडाउन नहीं होगा। उखेड़ा और सफेद मक्खी की बीमारी ने प्रदेश भर में नरमा की फसल को बर्बाद कर दिया है। इससे किसानों को बड़ा आर्थिक नुकसान हुआ है, इसलिए सरकार को बिना देरी के स्पेशल गिरदावरी करवाकर सभी प्रभावित किसानों को कम से कम 30,000 रुपए प्रति एकड़ मुआवजा देना चाहिए। ये मांग उठाई है पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने। जननायक जनता पार्टी यानी JJP ने अपने संगठन में कई नई महत्वपूर्ण नियुक्तियां यानी अपॉइंटमेंट्स की हैं। पार्टी ने अपने अनुशासन समिति के गठन के साथ साथ राष्ट्रीय कार्यकारिणी का विस्तार करते हुए नए पदाधिकारियों की सूची जारी की है। इनमें अनुशासन समिति के चेयरमैन, समिति के 3 सदस्य, राष्ट्रीय कार्यकारिणी में 15 सदस्य और 13 विशेष आमंत्रित सदस्य बनाए गए हैं। JJP ने अपने अनुशासन समिति में कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के पूर्व रजिस्ट्रार बेरी निवासी जगदीश कादियान को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी देते हुए चेयरमैन के पद पर नियुक्त किया है। वहीं जगदीश कादियान इससे पूर्व पार्टी के बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के प्रदेशाध्यक्ष रहे थे। इनके साथ सोनीपत निवासी बबीता दैया, गुरुग्राम से JJP के पूर्व लोकसभा प्रत्याशी महमूद खान और सोनीपत निवासी एडवोकेट रणबीर दैया पार्टी की अनुशासन समिति के सदस्य होंगे। हरियाणा के वन एवं पर्यटन मंत्री कंवरपाल ने कहा है कि राज्य सरकार द्वारा हरियाली को बढ़ावा देने और किसानों की आमदनी को बढ़ाने के उद्देश्य से उनकी मर्जी से सरकारी खर्चे पर फलदार पौधे लगाए जाएंगे। ऐसे में फल किसान के होंगे और पेड़ वन विभाग के होंगे, यानी फलों की बिक्री करके किसान अपनी आमदनी बढ़ा सकेंगे और जब पेड़ों पर फल आने बंद हो जाएंगे तो वे वन विभाग की संपत्ति होंगे। इसके अलावा सड़क से 3 मीटर के दायरे में आने वाले पेड़ों में आधे पेड़ यानी फार्मर किसान के होंगे, जबकि आधे पेड़ वन विभाग के होंगे। इस प्रक्रिया में भी पेड़ छांटने में किसान की प्राथमिकता रहेगी। पूर्व CM हुड्डा का आरोप, हरियाणा पर्यटन विभाग के होटल निजी हाथों में सौंपने जा रही है सरकार, कर्मचारियों की कर रही है छटनी। हुड्डा बोले, सरपंचों की बजाय विधायकों और सांसदों पर पहले लागू किया जाए राइट टू रिकॉल। अगर विधायकों पर लागू हुआ राइट टू रिकॉल तो एक ही साल में गिर जाएगी ये सरकार। MDU यूनिवर्सिटी में UG स्टूडेंट को 1 घंटा 45 मिनट में हल करने होंगे बहुविकल्पीय प्रश्न, PG को देने होंगे 3 प्रश्नों के विस्तृत उत्तर। MDU में 11 सितंबर से ऑफलाइन और ऑनलाइन परीक्षा होगी। दोनों मोड में परीक्षा करवाने के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर अपनाई गई है। परीक्षार्थियों को सोशल डिस्टेंसिंग के लिए एक बेंच छोड़कर बैठाया जाएगा। बेंचों के बीच में 2 गज की दूरी बनाई जाएगी। जो स्टूडेंट ऑनलाइन चुनेगा उसे ऑनलाइन तरीके से ही परीक्षा दिलवाई जाएगी और ऑफलाइन वालों के लिए परीक्षा केंद्र में व्यवस्था की जाएगी। वहीं जिन्होंने कोई भी विकल्प नहीं चुना या सर्वे में भाग नहीं लिया है तो उन्हें ऑफलाइन में ही गिना जाएगा।
एनआईए की चार्जशीट में खुलासा, डीएसपी देवेंद्र ने पाकिस्तानी हैंडलर्स के नाम पाक भाई के नाम से सेव किए, उसे जासूसी के लिए विदेश मंत्रालय में कॉन्टैक्ट बनाने का काम सौंपा गया। 11 जनवरी को जम्मू कश्मीर के डीएसपी देवेंद्र को हिजबुल के मोस्ट वांटेड आतंकवादियों के साथ गिरफ्तार किया गया था। एनआईए ने चार्जशीट में देवेंद्र पर हिजबुल की मदद करने, आतंकियों को ठिकाना देने और जासूसी करने जैसे आरोप लगाए हैं। अवमानना के दोषी प्रशांत भूषण पर फैसला आज। देश भर के 122 लॉ स्टूडेंट ने सुप्रीम कोर्ट को लिखा इमोशनल लेटर, कहा कोर्ट फैसले पर फिर से विचार करे। सुप्रीम कोर्ट ने महीने की शुरुआत में ही भूषण को उनके ट्वीट्स पर कोर्ट की अवमानना का दोषी ठहराया था और फैसला सुरक्षित रख लिया था। भूषण को नवम्बर 2009 में भी सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस दिया था। सुशांत सुसाइड केस की सीबीआई जांच, रिया से तीसरे दिन सवाल हुए। एक्टर से ड्रग्स की बात करने वाले गौरव आर्या ने कहा 2017 में रिया चक्रवर्ती से मिला था पर सुशांत से कभी नहीं मिला। रिया से तीसरे दिन रविवार को सीबीआई ने 8 जून से लेकर 14 जून की घटनाओं के बारे में की पूछताछ। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गौरव आर्या से ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय करेगी पूछताछ। 31 अगस्त को पेश होने का भेजा समन। कई राज्यों में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात, छत्तीसगढ़ में महानदी तो मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी उफान पर, कई डैम से छोड़ा गया पानी। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में पानी भर जाने के कारण होमगार्ड द्वारा नाव भी चलाई गई। महिमानगर, डोंगरवाड़ा, संजयनगर, ग्वालटोली, जासलपुर, बालाभेट, बांद्राभान और धानाबड़ में नाव से 200 लोगों को रेस्क्यू कर निकाला गया है। दुनिया का सबसे बड़ा टॉय म्यूजियम गुजरात में बनेगा। 1500 करोड़ रुपए का दुनिया का सबसे बड़ा टॉय म्यूजियम, यहाँ 11 लाख खिलौने होंगे खास। अभी सबसे बड़ा टॉय म्यूजियम अमेरिका के मिसौरी स्टेट में है। यहाँ प्राचीन से आधुनिक समय के 10 लाख से अधिक खिलौने हैं। बाल भवन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद कर रहे हैं मार्गदर्शन, भूमि पूजन भी वही करेंगे। बाल भवन की लागत करीब 1500 करोड़ रुपए होगी। इसे बनने में करीब 5 साल लगेंगे। कोरोना से मुंबई स्थित धारावी नगरी की हुई बदनामी, 50% दुकानें हो गई हैं खाली। मुंबई में स्थित इस दिवाली हो सकती है दिए की किल्लत। 2.5 वर्ग किलोमीटर में फैली धारावी में 5000 जीएसटी रजिस्टर्ड एंटरप्राइजेज हैं। इसके अलावा 15000 एक कमरे वाली फैक्ट्रियां हैं। धारावी इलाके का सालाना टर्नओवर करीब 7000 करोड़ रुपए है, जिसकी वजह से धारावी को हब ऑफ इंटरनेशनल एक्सपोर्ट भी कहा जाता है। सोनी टीवी के पॉपुलर गेम रियलिटी शो कौन बनेगा करोड़पति 12 का आगाज जल्द होने वाला है। बिग बी ने हाल ही में कोरोना से रिकवर होकर शो का नया प्रोमो शूट किया था, जो अब सामने आ चुका है। चैनल ने शो का एक इमोशनल प्रोमो जारी किया है, जिसमें बिग बी धमाकेदार वापसी की बात करते नजर आ रहे हैं। बिग बॉस 14 शो में फिर एक बार टेलीविजन के सबसे पसंदीदा होस्ट सलमान खान नजर आने वाले हैं। पिछले सीजन कई सारे विवादों और बहस के बाद बताया जा रहा था कि सलमान अगले सीजन को होस्ट नहीं करेंगे, मगर फैंस की डिमांड पर वो वापस आ गए हैं। सलमान की फाइनल डील हो चुकी है, जिसमें उन्हें बिग बॉस 14 के लिए कुल 250 करोड़ रुपए का एक बड़ा अमाउंट दिया जा रहा है। ये फीस उनकी पिछले सीजन की फीस से 50 करोड़ रुपए ज्यादा है। हफ्ते में सिर्फ एक ही दिन शूट करेंगे। सरकार का नया आदेश, यूपीआई आधारित डिजिटल पेमेंट पर नहीं लगेगा कोई शुल्क। 1 जनवरी के बाद से वसूले गए सभी तरह के शुल्क वापस करेंगे बैंक। रुपए डेबिट कार्ड, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी यूपीआई, यूपीआई क्विक रिस्पांस कोड यानी यूपीआई क्यूआर कोड और भीम यूपीआई क्यूआर कोड से होने वाले किसी भी तरह के पेमेंट पर एमडीआर सहित नहीं लगेगा कोई शुल्क। सीबीडीटी ने पाया कि कुछ बैंक यूपीआई पेमेंट पर शुल्क वसूल कर रहे हैं। यह शुल्क पीएसएस एक्ट के सेक्शन 10A और आईटी एक्ट के सेक्शन 269SU का उल्लंघन है। 1 सितंबर को लॉन्च होने जा रहे हैं 2 स्मार्टफोन, एक की कीमत 10,000 रुपए से भी कम तो दूसरा लगभग रॉयल इनफील्ड जितना महंगा। 1 सितंबर को अनपैक्ड इवेंट पार्ट 2 में सैमसंग अपना नया फोल्डेबल फोन भारत में लॉन्च करेगी, तो वहीं हांगकांग बेस्ड स्मार्टफोन कंपनी टेक्नो भी अपना लो बजट फोन 1 सितंबर को भारतीय बाजार में उतारेगी। रिपोर्ट के मुताबिक सैमसंग 1 सितंबर को होने वाला अनपैक्ड पार्ट 2 इवेंट में नया गैलेक्सी जेड फोल्ड 2 स्मार्टफोन लॉन्च करेगी। इसकी कीमत लगभग 1,75,000 के आसपास होने वाली है। 5,79,000 रुपए की कीमत के साथ लॉन्च हुई कवास्की वल्कन एस, राइडर अपने अनुसार इसके हैंडल, फुटपैग और सीट को कर सकेंगे एडजस्ट। BS6 में अपग्रेड होने के कारण यह पहले से 35,000 रुपए तक अधिक महंगी हो गई है। वल्कन एस देश में कवास्की की पहली और एकमात्र क्रूजर मोटरसाइकिल है और यह लिक्विड कूल्ड 4-स्ट्रोक पैरेलल ट्विन 649cc इंजन से लैस है। अब घर बैठे ही ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं SBI होम लोन के इंटरेस्ट सर्टिफिकेट। इनकम टैक्स छूट पाने के लिए होता है जरूरी, इसके लिए आपको कोई अतिरिक्त शुल्क देना नहीं होगा। इसे डाउनलोड करने के लिए आपकी SBI नेट बैंकिंग चालू होना जरूरी है। होम लोन इंटरेस्ट सर्टिफिकेट का मुख्य रूप से इस्तेमाल होम लोन के ब्याज पर मिलने वाले इनकम टैक्स डिडक्शंस को क्लेम करने के लिए होता है।
एक बार फिर से पेट्रोल की कीमतों में लगी आग। दिल्ली में पेट्रोल 82 रुपये प्रति लीटर के हुआ पार। डीजल के दाम में कोई इजाफा नहीं हुआ। 15 दिनों में अब तक 13 बार पेट्रोल के दाम बढ़ चुके हैं। इंडोनेशिया में वायरस का म्यूटेटेड वर्जन आया सामने, यह 10 गुना ज्यादा संक्रामक है। दुनिया भर में अब तक 2,51,00,000 केस। दुनिया में अब तक 68 लाख से ज्यादा एक्टिव केस। अब तक 1,75,00,000 लोग ठीक भी हुए। अकेले अमेरिका में 61 लाख से ज्यादा संक्रमित, तो वहीं 1,86,000 लोगों की हुई मौत। दुश्मनी से दोस्ती का सफर। यूएई यानी यूनाइटेड अरब अमीरात ने 48 साल बाद इसराइल के बॉयकॉट वाले कानून किया खत्म। आज अमेरिका इजरायली अफसरों का डेलीगेशन अबू धाबी पहुंचेगा, होंगे अहम समझौते। यूएई ने 1972 में एक कानून बनाया था, इसके तहत इसराइल को पूरी तरह से बॉयकॉट किया गया। अमेरिका ने दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक शांति समझौता कराया। अब सभी तरह के रिश्ते बहाल होंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक बात तो तय है कि यूएई और इसराइल बहुत जल्द एक दूसरे के देश में एम्बेसीज शुरू करेंगे। इससे डिप्लोमेटिक रिलेशंस की औपचारिक शुरुआत हो सकेगी। दुनिया का सबसे उम्रदराज शादीशुदा जोड़ा, इक्वाडोर के जूलियो मोरा और उनकी पत्नी वाल्डरमीना ने एक साथ पूरे किए 79 साल। वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम हुआ दर्ज। इक्वाडोर में रहने वाले 112 साल के जूलियो मोरा और 104 साल की उनकी पत्नी वाल्डरमीना ने दुनिया का सबसे उम्रदराज शादीशुदा जोड़ा होने का खिताब अपने नाम कर लिया है। दोनों की शादी 7 फरवरी 1941 को हुई थी। 10 मार्च 1908 में जन्मे जूलियो सेजर दुनिया के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति होने का खिताब भी अपने नाम कर चुके हैं। जूलियो और वाल्डरमीना दोनों ही पहले टीचर थे और फिलहाल रिटायर होने के बाद क्वीटो के अपने घर में समय बिता रहे हैं। साउथ चाइना सी समेत दुनिया के कई हिस्सों में चीन के रुख को अमेरिका ने बेहद आक्रामक बताते हुए इसका मुकाबला करने की तैयारी पर जोर दिया है। अमेरिका के एनएसए रॉबर्ट ओब्रायन ने साफ कर दिया है कि सितंबर और अक्टूबर में अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया के अफसर मुलाकात करके रणनीति तैयार करेंगे। ब्रायन ने कहा है कि चीन का रवैया बेहद आक्रामक है और अमेरिका जानता है कि इससे कैसे निपटना है। देश की इकोनॉमी पर राहुल की वीडियो सीरीज। राहुल गांधी बताएंगे कि मोदी सरकार ने देश की इकोनॉमी को कैसे बर्बाद किया। सीरीज का पहला वीडियो आज सुबह 10 बजे होगा जारी। अर्थव्यवस्था की बात टाइटल की इस वीडियो सीरीज के जरिए केंद्र पर साधेंगे निशाना। राहुल ने प्रोमो किया जारी, इसमें नोटबंदी, जीएसटी और लॉकडाउन जैसे मुद्दों का है जिक्र। स्कूल में जाकर शिक्षकों से मिल सकेंगे विद्यार्थी या नहीं, तय करेंगे अभिभावक। कंटेनमेंट जोन के बाहर के क्षेत्रों में केवल स्वैच्छिक आधार पर कक्षा 9वीं से 12वीं के छात्रों को अपने शिक्षकों से मार्गदर्शन लेने के लिए स्कूलों का दौरा करने की अनुमति दी जा सकती है। यह उनके अभिभावकों की सहमति के अधीन होगा। और अब बात आज के इतिहास की। प्रसिद्ध कवयित्री, उपन्यासकार और निबंधकार अमृता प्रीतम का जन्म 31 अगस्त 1919 को हुआ था। बंगाली फिल्मों के प्रसिद्ध निर्देशक, लेखक और अभिनेता ऋतुपर्ण घोष का जन्म 31 अगस्त 1963 को हुआ था। और अंत में ब्रिटेन की राजकुमारी और राजकुमार चार्ल्स की पूर्व पत्नी डायना की पेरिस में 31 अगस्त 1997 को कार दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। मौत के समय डायना की उम्र 36 साल थी।